अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। टॉप 10 न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और ये वीडियो लोगों को बताए। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है कैफे ला बरिसा, जहाँ की हर चीज में है हैंडमेड टेस्ट, प्रेजेंट एम्बियंस, क्वालिटी सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस, ओनली एट ला बरिसा एट बागे यूसुफ चाविंद्रा, नासिक रोड, भिवंडी। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है एवन मिल्क सेंटर, जहां आपको मिलेंगे हर किस्म के बेकरी प्रोडक्ट्स और बेस्ट क्वालिटी का टोन मिल्क अम्मी जान, अपोजिट सागर प्लाजा होटल, नायगांव, भिवंडी। आज दशहरे के मौके पर भिवंडी महानगर पालिका ने अग्निशमन दल को और मजबूती देने के लिए मंगवाई 2 नई फायर इंजन, जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है और जिसकी वाटर टैंक कैपेसिटी तकरीबन 6000 लीटर की है। आज इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर भिवंडी महानगर पालिका ने उनके नाम से बने फ्लाईओवर के साइनेज बोर्ड का किया उद्घाटन। ये बोर्ड हाल ही में चर्चा का विषय बना था, लेकिन भिवंडी कॉरपोरेशन ने मिसाइल मैन के नाम की मर्यादा रख ली। थाने कलवा के जय भीम नगर में स्थित एक बेकरी में लगी भीषण आग, आग में करोड़ों का माल जलकर हुआ खाक। दुर्घटना में कोई जान हानि नहीं। घटनास्थल पर थाने नगर निगम की दमकल गाड़ियों ने पहुंचकर आग को काबू में लिया। आग लगने की वजह अभी वाजे नहीं। डोंबिवली अपने दादा से मिलने जा रहे आर्यन और अंकित नामक दो छोटे भाई रास्ता न पता होने के कारण थाने के एक इलाके में गुम गए। थाने पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस ने बच्चों से पूछताछ कर उनके माता पिता का पता लगाया और बच्चों को सही सलामत उनको सौंपा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड़ को 2020 के अनंत करमुसे केस में एक बार फिर किया गया अरेस्ट। आज सेशन कोर्ट ने मिनिस्टर की बेल 10,000 रुपए के बॉन्ड पर ग्रांट की। साथ ही बीजेपी ने आग में घी डालते हुए जितेंद्र आव्हाड़ के मंत्री पद से इस्तीफा की मांग की है। अब 18 साल से कम उम्र वाले स्टूडेंट्स भी ले सकेंगे लोकल ट्रेन की सुविधाएं। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को लिया बड़ा फैसला। ये फैसला महाराष्ट्र में स्कूल्स और कॉलेजेस को जल्द से जल्द शुरू करने के लिहाज से लिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक लोकल ट्रेन की सुविधाएं सिर्फ पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों के लिए ही शुरू थी। एंटी नार्कोटिक सेल ने कुर्ला से एक ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार, जिसके पास से 210 ग्राम ड्रग किया गया जब्त। ड्रग्स की कुल कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 21 लाख रुपयों की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में लिया गया। आज सुबह 4 बजे के आसपास कानपुर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक खाली मालगाड़ी के 24 डिब्बे उतरे पटरी से, जो कि गाजियाबाद से मुगलसराय जा रही थी। इस दुर्घटना में जान माल की कोई हानि नहीं, लेकिन इससे कई अन्य ट्रेनों की टाइमिंग और रूट प्रभावित हुई है। घटनास्थल पर रेलवे अधिकारियों की टीम ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने एक यात्री को 1.5 किलो सोने के साथ किया गिरफ्तार, जो कि जीन्स पैंट्स में पेस्ट के रूप में छिपाकर सोने की तस्करी कर रहा था। सोने की कुल कीमत 73 लाख रुपए बताई जा रही है। भिवंडी सहित पूरे राज्य भर में आज दशहरे का त्यौहार धूमधाम से एवं शांतिपूर्वक मनाया गया। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कहीं भी दुर्गा देवी का जुलूस न निकालते हुए अपने अपने पंडालों में ही देवी की पूजा अर्चना करके दशहरे की एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का कड़ा इंतजाम रखा था। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है फिट एंड फन मल्टी टैलेंट क्लासेस, जहां आप सीख सकते हैं मार्शल आर्ट्स, योगा, कराटे, स्केटिंग, जिमनास्टिक और किकबॉक्सिंग। एडिशनल क्लासेस, मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्यूशन कोचिंग नाउ एट अजरा कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, गैबी नगर रोड, भिवंडी। अनदर ब्रांच एट अखाड़ा जिम, गौरीपाड़ा, भिवंडी।